ये सामने लिखा भी आ गया, देखो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपका स्वागत। पहले मैं आता था ना, मेरी गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास लगती थी, अब तो इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शन कर दी, गाड़ी पहले लगवा देते हैं। और इन गलियों का दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हो, आध्यात्मिक तौर से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। कान्हा जी, किशन कन्हैया जी खेलते थे, उनका आप आनंद ले रहे। तो भाई दिल्ली का जो मौसम है ना, वो भी दिल्ली के लोगों की तरह ही है, बड़ा प्यारा बड़ा मधुर सा। अब आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले से तो बारिश हो रही थी दिल्ली में, सितंबर का पूरा महीना जो गया ना बारिश में ही गया है, और अब देखो बारिश रुक गई है तो मौसम कितना बढ़िया हो गया है। पर कभी गर्मी हो रही है, कभी हल्की ठंड हो रही है, तो दिल्ली का मौसम भी दिल वाला है भैया, दिल्ली के लोगों की तरह। और ये जो व्लॉग है ना, ये मैं शुरू कर रहा हूँ एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट से। अगर कोई भी मेरा भाई दिल्ली से जाना चाहता है वृंदावन, तो मैं कैसे वृंदावन जाता हूँ और जल्दी से जल्दी कैसे पहुँच जाता हूँ, एक ही दिन में अप डाउन कर लेते मैं जाता हूँ, ये सब मैं आपको बताने के लिए लाया हूँ इस व्लॉग के अंदर। तो ये जो व्लॉग है ना, बेसिकली ये है दिल्ली से वृंदावन। तो रातों में हो ही जाएगी, क्योंकि अभी हमारा निकलने का जो टाइम है, हम निकल रहे हैं 3 बजे, हम दिल्ली से निकल रहे हैं और 4:30 बजे या 5 बजे के करीब कपाट खुलते हैं वृंदावन के। तो 4:30 तक हमें वृंदावन पहुंचना है, 3 बजे मैं दिल्ली से निकल रहा हूं, और 1.5 घंटे में वृंदावन मैं कैसे पहुंचूंगा ये मैं आपको बताता हूं। हम जाएंगे भाई यहां से सीधा DND की तरफ, यानी दिल्ली नोएडा दिल्ली, और वहां से हम पकड़ेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे से हम जाएंगे वृंदावन की तरफ। और वृंदावन का जो रास्ता है ना, बेसिकली मैक्सिमम लोग जो है ना वो नेशनल हाईवे से जाते हैं, पर नेशनल हाईवे से थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ठीक है, वहां से पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है, और एक्सप्रेसवे से जाने में थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते हो। अब ये देख लो, आप सीधा एम्स की तरफ जा रही है रोड। अच्छा, हम सीधा जाएंगे और आश्रम चौक से हम सीधा जाएंगे DND की तरफ, DND से हम जाएंगे नोएडा की तरफ। तो व्लॉग में आप बने रहो ताकि आपको भी रास्ता देखने को मिले। और जय बांके बिहारी लाल की, और हम चलते हैं सीधा वृंदावन की तरफ। यहाँ से हम 1 या 1.5 घंटे में ना कवर कर लेंगे पूरा का पूरा रास्ता, और मैक्सिमम 2 घंटे में हम लग जाएंगे सीधा वृंदावन। ये देख लो, आप जो लेफ्ट में कट जा रहा है ना, ये सीधा नोएडा के लिए जा रहा है, पर ये थोड़ा सा घूम के आपको सीधा एक्सप्रेसवे टच कराएगा, ये वाला स्ट्रेट आपको एक्सप्रेसवे टच करा देगा। अब ये यहाँ से गोल चक्कर से लेने के बाद अगर आप राइट से जाओगे तो मैरोली और बसंत कुंज के लिए चले जाओगे, हमें गाड़ी को रखना है लेफ्ट। तो भाई अब हम क्रॉस कर रहे हैं, साउथ एक्स हमारा क्रॉस हो गया, अब आ गया लाजपत नगर पुल। मतलब ये वाला रूट दिखाने का मेरा मकसद ही ये था कि यहाँ से आपको ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं लेने पड़ेंगे, लेफ्ट राइट नहीं होना पड़ेगा, तो ये आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना भी बहुत ईजी है। अब आप ये देखो, सामने बोर्ड आ गया नोएडा का। अब आप ये लेफ्ट में देख सकते हो यार, ये नेफेड है, ये आश्रम चौक पे है। अब हम लोग चढ़ गए DND पे, दिल्ली नोएडा दिल्ली। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यमुना का पुल, ये नोएडा एंटर हो रहे हैं ना, तो ये पहचान है, नीचे यमुना जी है, ऊपर से हम जा रहे हैं। और आपको ये पता है कि यमुना जी वृंदावन में बहते हुए जाती हैं, वहां पे भी दोबारा एक बार हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ना, जब हम वृंदावन पहुंचेंगे ना वहां पे हम दोबारा एक पुल क्रॉस करेंगे जहाँ पे नीचे आपका यमुना नदी होगी। अगर आपने आगरा जाना है ना, तब भी आपने इसी DND से जाना है, यही रास्ता है। दिल्ली से आगरा में भी आपने इधर से ही जाना है, दिल्ली से अगर आपने वृंदावन जाना है तो भी आपने यहीं से जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है तो भी आपने यहीं से जाना है। यहाँ पहले टोल होता था 25 रुपए का, पर अब तो नहीं है। पर यार मैंने एक चीज हमेशा नोटिस करी है, इस टोल के ऊपर हमेशा सैमसंग की ID क्यों मिलती है? कोई नया फोन आएगा या कोई एक नया TV लॉन्च होगा तो सैमसंग की ऐड ही मिलेगी इसके ऊपर। अब Fold 6 आया तो Fold 6 की ऐड। अगर आप जा रहे हो नोएडा एक्सप्रेस वे की तरफ, तो आपने कौन से कट से लेफ्ट लेना है? पहली बात तो ये है कि आपने गाड़ी रखनी है लेफ्ट पे। अब ये लेफ्ट का पहला कट आ गया ना, इस कट पे हमने नहीं जाना, क्योंकि यहाँ से आपको वापसी ले जाएगा दिल्ली की तरफ, इधर हमने नहीं जाना। ये अक्षरधाम की तरफ, मयूर विहार की तरफ जाएगा, दिल्ली की तरफ जाएगा, हमने नहीं जाना। ये वाला कट छोड़ के ना, इसके अगले कट से हमने लेफ्ट लेना है। अब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना, नोएडा एक्सप्रेस वे लिखा हुआ है, यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा, सीधा चले जाएंगे तो सेक्टर 16, 21, 61, 62, 62 सारा। अब हम जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ, ये बोर्ड भी आप देख सकते हो लेफ्ट में, यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ। अब नोएडा की फिल्म सिटी क्रॉस करते हुए हमने सीधा जाना है एक्सप्रेस वे की तरफ। तो एक टाइम ऐसा था कि हफ्ते में एक बार मैं वृंदावन जाता ही जाता था, मतलब मेरे पापा को इतना शौक था वृंदावन जाने का, हर हफ्ते मेरे को लेके जाते थे वृंदावन, हर हफ्ते। ये रास्ता तो मुझे ऐसे याद है ना, टिप्स पे है। ये देखो, आप मैंने कहा था ना फिल्म सिटी क्रॉस करते हुए, लेफ्ट में फिल्म सिटी है, सीधा आगरा का कट है। अभी हम स्ट्रेट ही जाएंगे, स्ट्रेट ही फॉलो करें। आप देख ही सकते हो जैसे कि ये 3 लेन का हाईवे बना हुआ है, राइट लेन जिस पे अभी हम चल रहे हैं ये है ओवरटेक की लेन, लेफ्ट जहाँ पे वो व्हाइट कलर की स्विफ्ट जा रही है वो गाड़ी की लेन है, उससे इधर जो है वो आपकी ट्रक की लेन है, उसके लेफ्ट बिल्कुल जो लेफ्ट में है ना वो बाइक की लेन है। मतलब आप ये सोचो, ये इतने तरीके से ये बना रखा है इन्होंने हाईवे, इतनी चौड़ी रोड है,
थ्री लेन इस तरफ, थ्री लेन उस तरफ, यानी सिक्स लेन हाईवे बना हुआ है। तो इस रास्ते से आने का आपको यही बेनिफिट है कि यहाँ पे ना आपको एक तो खुली खुली रोड मिल गई चलाने के लिए, और मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा खाने की भी कोई कमी नहीं है एक्सप्रेसवे पे। उसके अलावा भी अगर आप चाहो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आराम से आप, वॉशरूम की सुविधा है, सब कुछ है, मतलब ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये क्या था यार, यूपी में आने के बाद ना ये चीज देखने को मिलती है भाई, ड्राइवर गेट खोल खोल के ना थूक रहे होते हैं, मतलब इतनी साफ रोड, इतनी क्लीन है, और एकदम से कोई डोर खोल के थूक रहा है पान मसाला, मतलब अजीब सा लगता है यार, हंसी आ गई मेरे को एकदम से देख के। इसके पीछे भी भाई एक लॉजिक है, अगर शीशा खोल के थूकेगा ना तो पीछे वाले शीशे पे जाके चिपक जाएगी सारी की सारी, गेट खोल के थूकेगा। पर ये है कि गाड़ी चला रहे हैं लंबे रोड पे, पान मसाला जरूर खाना है, भूल गया। ये वाली जो रोड है ना सीधी, यही रोड आपको लेके जाती है परी चौक के लिए, परी चौक ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे वेगस मॉल है वहाँ पे भी लेके जाती है। तो अगर आपने जाना है, हम जैसे जहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे अपना उसके लिए एक्सप्रेसवे के लिए, अगर आप चाहो, ये लो जी यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है, अब आ गया यमुना एक्सप्रेसवे, तो आप चाहो तो आप स्ट्रेट निकल के परी चौक भी जा सकते हो। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। यमुना एक्सप्रेसवे पे जाने से पहले पहला स्टेटमेंट है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। लो जी ये पहचान है कि आप आ गए हो यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। लीजिए जनाब यमुना एक्सप्रेसवे आ गया। अच्छा ये देखिए आप, पहले आएगा जेवर, फिर आएगा अलीगढ़, फिर मथुरा, फिर आगरा। 185 किलोमीटर है आगरा। अब अगर बात करें ना इस हाईवे की, तो ये दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली से नहीं नोएडा से शुरू होता है, और दिल्ली से नोएडा पड़ता है 20 या 22 किलोमीटर पड़ता है, और 185 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसका नोएडा से लेकर आगरा तक। और इसकी जो स्पीड लिमिट है ना, वो स्टार्टिंग में अभी जब पहला टोल आएगा तब तक की जो स्पीड लिमिट है वो है 75-100 के बीच में, और आगे जाके 100 से प्लस कर सकते हो आप गाड़ी, एक बार आप जेवर का टोल क्रॉस कर लोगे। तो पहला टोल जो है ना वो जेवर का है, उसके बाद आएगा पलवल, पलवल के बाद आएगा आपका मथुरा, और हमने मथुरा से पहले लेफ्ट हो जाना है वृंदावन के लिए। अब लेफ्ट में आप देख सकते हो सारे खाने पीने के बोर्ड शुरू हो गए, कितने किलोमीटर पे कितना है। यहाँ पे आपका सबवे भी है, पिज्जा भी हट भी है, स्टारबक्स भी है, सब कुछ है यार इस रोड पे, ऐसा नहीं है कि आपको खाने की कोई दिक्कत आने वाली है। तो अब जो हमारा यहाँ से रूट है ना वो है मथुरा तक का 125 किलोमीटर, पर हम तो पहले ही लेफ्ट हो जाएंगे वृंदावन के लिए, और आगरा दिखा रहा है 184। सारे मथुरा तक चले जाते हैं, मथुरा तक जाना नहीं होता यार, मथुरा तक जाने का मतलब ये है कि आप 20 किलोमीटर का फालतू चले गए। आप यही आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको वृंदावन जाने के लिए मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वृंदावन मथुरा दोनों कवर करना है तो पहले वृंदावन चले जाओ, फिर उसके बाद मथुरा जाओ आप। यहाँ पे भैया स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं आपकी स्पीड सेंसिंग करने के लिए, तो ये तो आप सोचना मत कि आप गाड़ी भगा लोगे। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जैसे आप एक टोल क्रॉस करते हो ना और अगले टोल तक जाते हो, तो स्पेसिफिकली ना एक टाइम होता है उनके नोटेड है कि इससे जल्दी अगर वो हम पहुंच जाते हैं ना तो वो हमें टोक देंगे कि आप स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। तो बेटर होगा कि आप अपनी एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करो इस हाईवे पे। अच्छा इस हाईवे का ना एक मिथ और भी है कि यहाँ पे ना गाड़ी जो है ना टायर अपने आप प्रेशर ले लेता है, या हवा ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बेकार की बात है, हवा कभी ज़्यादा कम नहीं होती है। हाँ नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेफर्ड, मैं आपको आगे एक पेट्रोल पंप दिखाऊंगा वहाँ पे नाइट्रोजन फ्री डलती है, आप वहाँ से भी डलवा सकते हो अगर आप वृंदावन आ रहे हो। भाई ये जो हाईवे है ना ये सबसे पहले बना था दिल्ली से आगरा के लिए, फिर उसके बाद इसका स्ट्रेच और खुला ताज एक्सप्रेसवे के लिए, जो मतलब दिल्ली से आगरा के बाद आगरा को कनेक्ट करता था उससे, आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे से। और यही जो रोड है ना ये स्ट्रेट जाती है आपकी राम मंदिर के लिए, अगर आपने दिल्ली से अयोध्या जाना ना तो भी आपने इसी रूट से जाना है। हम तो भाई कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, 78-80 के नीचे नीचे की स्पीड मेंटेन कर रहा हूं मैं। मुझे पता है इस पे ना चलान कटने के आसार बहुत होते हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 चलान कटवाए हैं स्पीड के। हमें एक्सप्रेसवे पे चढ़े हुए करीबन 10 से 12 मिनट हुए हैं, और आप ये देख सकते हो कि 10-12 मिनट बाद ये बोर्ड आ गया। अगर आपने पेट्रोल डलवाना है या आपने वॉशरूम वगैरह जाना है तो उसके लिए सुविधा केंद्र यहाँ बने हुए हैं, ये देख लो आप सामने बोर्ड आ गया, रेस्टोरेंट वगैरह सब बने हुए हैं। टोल पार करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक शिवा ढाबा आता है जहाँ की चाय बहुत मस्त है और बहुत फेमस है, वहाँ पे भी आप गाड़ी रोक के आराम से चाय पी सकते हो, और क्या कहते हैं पकोड़े भी उसके बहुत स्वाद हैं, खाना भी खा सकते हो। भाई ये आ गया अपना बोर्ड मथुरा 100 किलोमीटर। अगर मथुरा 100 दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वृंदावन जो है वो करीबन होगा
75 या 78 किलोमीटर के आसपास। ये लेफ्ट पे आप देख सकते हो, ये गाड़ी जा रही है लेफ्ट पे, कट जा रहा है, ये जो है ना ये जा रहा है जन सुविधा केंद्र की तरफ, और ये सामने ही आपको डोमिनोज का बोर्ड भी दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो। लेफ्ट में ही अगर आपने खाना वाना खाना है, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है फैमिली के साथ, हो बर्गर किंग, स्टारबक्स, सब आपका लेफ्ट में। हम जा रहे हैं स्ट्रेट इस हाईवे में लगातार, मतलब जब भी मैं आता हूँ ना कोई रेनोवेशन वगैरह चल रही होती है, या मतलब इसको ठीक कर ही रहे होते हैं हाईवे को, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हाईवे बनाना बनाना नहीं होता भाई, मेंटेन भी करना होता है। मेंटेन हम भी करते हैं और मेंटेन ये लोग भी करते हैं, इसी चीज़ का ये लोग हमसे टोल चार्ज करते हैं। ये आ गया हमारा पहला टोल, 2 किलोमीटर पे है। इसके बाद हमारी स्पीड लिमिट भी बढ़ जाएगी, इससे पहले तक तो स्पीड कम थी, 75 से 100 के बीच में चल रहे हो, इसके बाद आप 100 से ऊपर भी जा सकते हो, पर 100 से ऊपर जाना नहीं चाहिए यार, 100 के अंडर ही रहना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ वृंदावन अप एंड डाउन की, तो 440 रुपये का टोल है आने जाने का वृंदावन तक का। इसी हाईवे से जाओगे, इसी हाईवे से आप आओगे वापसी, 430 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, वृंदावन तक का, मतलब 440 रुपये लगता है, मुझे पता है 440 रुपये लगता है, 430 लिखा है पर 430 नहीं है, 440 है। तो ये आ गया हमारा पहला टोल, और जेपी इंफ्राटेक यहाँ पे आपको लिखा हुआ बहुत दिखेगा क्योंकि जेपी वाले ने ये हाईवे बनाया। कि ये टोल क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड पे शिवा ढाबा आएगा, जहाँ पे आप गाड़ी रोक के, इतनी लंबी आप गाड़ी चला के आओगे तो एक तो स्टॉप पॉइंट ले ही सकते हो ना, आप अपने ही प्रेफरेंस के हिसाब से रुको, मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं, मैं तो खाली आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रुकने का सिंगल कारण है ये कुल्हड़ वाली चाय, ऐसी चाय आपको ना दिल्ली में भी नहीं मिलती है मेरे भाई, यहाँ खाली शिवा ढाबे में मिलती है, और इस हाईवे की यही खासियत है। मैं सिर्फ यहीं रोकता हूँ एक यहाँ पे, ये सामने आप देख लो लड़कों के लिए, वहाँ लेडीज़ के लिए जन सुविधा केंद्र बने हुए हैं, सामने शिवा ढाबा है, चाय या यहाँ पकौड़ा मिल जाएगा, ब्रेड पकौड़ा मिल जाएगा, आप खाओ और अपने सफ़र पे आगे निकलो। ज़्यादा आपको नीचे, मतलब जैसे पिछले वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना जहाँ पे ढाबा वगैरह बना, वहाँ पे ना आपको रोड से कट के नीचे जाना पड़ता है, वहाँ से वापस आना पड़ता है, ये हमारे हाईवे पे ही पड़ता है। तो यहाँ पार्किंग की भी आप देख सकते हो पूरी सुविधा है, गाड़ियाँ आप खड़ी करो, ट्रक के ट्रक खड़े हुए, और रेट भी रीजनेबल है। हाँ चाय भाई मेरे देखते देखते महंगी हो गई है, 10 रुपये से शुरू हुई थी, अब मैं 30 रुपये की चाय ली है मैंने अभी। अभी चाय ख़त्म करता हूँ और आगे का सफ़र शुरू करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो भाई अब हम निकल गए हैं शिवा ढाबा से चाय पी के, एक पानी की बोतल लेनी थी वो भी ले ली है, अब हम सीधा जा रहे हैं आगे वृंदावन की तरफ। एक टोल और आएगा उसके बाद हम सीधा वृंदावन पहुँच जाएंगे, क्योंकि मुझे टाइम कवर करना है, 4:30 तो ऑलरेडी हो गए, मतलब हो गए या होने वाले हैं, तो मुझे भगाने दो, गाड़ी अभी है, थोड़ा सा गाड़ी भगा लेता हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, वरना लेट ना हो जाए कहीं। तो भाई फाइनली 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद पिछले टोल से अगला टोल आ ही गया, और यहाँ पे फिर अगेन सबवे आ गया, 14 मिनट बाद सबवे है, सबवे तो यहाँ पे भरा पड़ा है। वृंदावन भी आ गया, 13 किलोमीटर रह गया वृंदावन, तो अप्रोक्सीमेटली हम वृंदावन पहुंच ही गए। जो मैंने आपको टोल बताया था ना 440 रुपये का, वो भैया एक ही टोल आपने देना है, वहाँ से शुरू होता है, अप एंड डाउन करोगे ऑटोमेटिकली कट जाए। एक्सप्रेसवे की ये खासियत होती है हर एक्सप्रेसवे की, कि आप चार्ज उतना ही देते हो जितना आप चल रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं देते हो। लिखा तो इस पर 305 रुपये है, मतलब अप एंड डाउन का 160 रुपये लिखा है एक साइड का, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ही लगेगा आपका 440 रुपये आने जाने का। भाई ये मेरे साथ ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, जिस टोल पे हम होते हैं ना वही टोल सबसे स्लो चल रहा होता है, ऐसा पता नहीं क्यों है यार। थैंक गॉड क्रॉस हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 किलोमीटर के बाद हमारा लेफ्ट कट आ जाएगा वृंदावन के लिए। तो भाई करीबन 5 मिनट भी हम चले नहीं होंगे सेकेंड टोल पार करने के बाद, और अभी हमारा कट आने वाला है, 8-10 किलोमीटर पे ही लेफ्ट कट आ जाता है जहाँ से हमने जाना है अंदर। अगर आपने यहाँ से लखनऊ भी जाना है, मतलब दिल्ली से लखनऊ भी जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है, कानपुर जाना है, अगर कोलकाता तक भी जाना है, अगर आपने कलकत्ता भी जाना है, तो भी आपको इसी हाईवे से होके जाना पड़ेगा, यही फास्टेस्ट रूट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड टोल पार करने के बाद आपने लेफ्ट लेना है, 10 किलोमीटर के बाद ये बोर्ड आपको दिख जाएगा वृंदावन का, ठीक है, यहाँ से आप लेफ्ट हो जाओगे। और ये जो सामने आपको पेट्रोल पम्प दिख रहा है ना, यहाँ पे आप पेट्रोल डलवा लो, नाइट्रोजन गैस फ्री है आपकी। अब मैं आपको आगे का रूट दिखाता हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया ना, अब हमें लेना है यू टर्न छोटा सा, तो आप ये समझ लो कि हम यू टर्न लेके वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। ये ले लिया मैंने यहाँ से एक यू टर्न, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे बारिश वारिश हुई है शायद,
सारा गीला हुआ पड़ा है। अच्छा तो ये देख लो आप, सामने खाने पीने की सुविधा पूरी है, ये रहा वृंदावन का कट। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम ऊपर एक्सप्रेस वे से आए हैं ना, अभी आगे हमें वापस एक्सप्रेस वे की तरफ जाना है। जैसे पहले हम लोग जा रहे थे आगरा की तरफ, ठीक है, अब हमें ये यूटर्न ले जाके ना ले जाएगा वृंदा उधर दिल्ली की तरफ ले जाएगा, दिल्ली वाली रोड पे ले जाएगा, पर वहां से हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा सर्विस लेन में, और सर्विस लेन के बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे वृंदावन। 3 बजे मैं चला था, 5 बजे मैं वृंदावन में हूँ, 2 घंटे में वृंदावन पहुंच गया। इससे ज्यादा यार और क्या मतलब लोग है, इससे बढ़िया क्या होगा। ये देखो आप, ये पुल के नीचे से इसने हमें यूटर्न करवा दिया है ना, अब राइट हो जाएंगे तो दिल्ली निकल जाएंगे, लेफ्ट होंगे सर्विस लेन से हम निकल जाएंगे वृंदावन के लिए। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ना हाईवे के ना ढाबे आने शुरू हो जाएंगे। हाँ देखिए, ये पेड़ लगा हुआ है, बीच में गोल चक्कर है, ठीक है, इस गोल चक्कर से अपन ने राइट लेना है। और ये देख लो आप, कितना ही बढ़िया ढाबा बना हुआ है, गेम जोन बना हुआ है बच्चों के लिए, आप ये देख सकते हो। ये जब पहले बन रहा था जब मैं आता था, अब तो भाई पूरा बन गया, डेवलप हो गया। यहाँ पे आपके पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, जब मैं पहले आता था पापा के साथ तब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, अब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो गई है और इतने लोग आने लग गए हैं, ये रास्ता भी लोग अब समझ गए हैं। पर मैक्सिमम आपको इस रूट पे ना वो दिखेंगी टूरिस्ट गाड़ियाँ, क्योंकि ना ये टूरिस्ट गाड़ी वालों को पता होता है, जो लाते हैं ना सवारी को लेके आते हैं, या मतलब लोग बाहर की गाड़ियाँ करते हैं, कैब्स वगैरह करते हैं, उनको ये रास्ता ज़्यादा पता होता है, या लोकल्स को पता होता है। हम लोगों को इसलिए पता है क्योंकि हम रेगुलर आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवे से आओगे तो आपको 3 घंटे लगते हैं, और यहाँ से आने में आपको 2 घंटे लगते हैं, पर 1.5 घंटा लगा है हमको नोएडा एक्सप्रेसवे पे। उससे पहले हमें आधा घंटा पौना घंटा लग गया नोएडा के अंदर, आधा घंटा। मैं दिल्ली से नोएडा को नहीं गिन रहा, वो सेपरेट है, क्योंकि इन एनी हाउ दिल्ली से अगर आप चलोगे तो नोएडा आने में दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको झेलना ही पड़ेगा, तब भी आपको 3 घंटे लगेंगे। पर अगर आप नेशनल हाईवे से आओगे तो आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे दिल्ली कवर करने के बाद। अभी आगे ना एक पुल आएगा जहाँ से हम जमुना जी क्रॉस करेंगे, मैं आपको वो पुल दिखाऊंगा। और अगर आप जैसे यहाँ इस रूट से आते हो और आपने कोई भी चीज़, पता है हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो गई या कोई भी ऐसा सामान घर में पड़ा हुआ है जिसको हमने जल प्रवाहित करना है या उसको मतलब पवित्र नदी में डालना है, तो ऐसा वहाँ पे आप कर सकते हो। दिल्ली में तो देखो अलाउड नहीं है, दिल्ली में आप जमुना जी किनारे जाके कोई भी सामान नहीं डाल सकते, वहाँ पे चालान कट जाता है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। पर हालांकि मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता या मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता, डालना नहीं चाहिए, क्योंकि नदियाँ साफ करना बहुत मुश्किल है, गंदी करनी आसान है, साफ करनी बहुत मुश्किल है, लोग कुछ भी डालते हैं भाई, मैं इसको प्रेफरेंस नहीं देता। ना तो ये नदियाँ पशु के नहाने के लिए होती हैं, ना यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, कैसे भी फेंक दो, पानी हर चीज़ के लिए नहीं है भाई, पानी जल ही जीवन है, और अगर आप बचाओगे, जल बचाओगे, पानी बचाओगे, अपना एनवायरनमेंट बचाओगे, तो ही हमारे भविष्य में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो जी पाएंगे, वरना तो सब खत्म हो जाएगा हमारे साथ ही। अब राइट हो जाओगे तो राधा रानी मंदिर चले जाओगे 5 किलोमीटर, देखो दोनों आसान है, और लेफ्ट जाओगे तो वृंदावन है 8 किलोमीटर। अपन पहले तो जाएंगे वृंदावन, उसके बाद वापसी में अगर टाइम हुआ तो पक्का जाएंगे राधा रानी टेम्पल, नहीं तो फिर वापसी दिल्ली। वृंदावन की ना मैं आपको बताऊं एक खास बात हो रहा है कि यहाँ पे ना आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ता। अगर आप वृंदावन आते हो ना घूमने के लिए, खाने पीने पे या ट्रैवलिंग में आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ता। हम भी जो है ना अभी गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे और उसके बाद ई रिक्शा लूँगा, ई रिक्शा लेके मंदिर जाऊँगा, दर्शन करूँगा, मंदिर के आसपास एक दो खाने की चीज़ें उनको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वहाँ से वापसी गाड़ी में, और गाड़ी से लेके सीधा निकलेंगे वापसी। वीडियो के माध्यम से तो मैं ये चाहता हूँ कि आध्यात्मिक तौर पे आप मेरे साथ ये सफ़र करें, बाय रोड में जैसे आता हूँ ट्रैवल करके, आप मेरे साथ ये सफ़र करें, पहुँचें यहाँ पे, दर्शन करें, बस मेरे लिए तो यही बहुत है। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो, अगर आपको पसंद आती है ना, तो अपने जितने भी डियर वंस हैं या ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, सब पे आप शेयर किया करिए, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे जो इसको देखना चाहते हैं, या जो इधर के प्रेमी हैं वृंदावन के, जो भी प्रेमी हैं या बुज़ुर्ग हैं तो नहीं आ सकते हैं, वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। अभी आप सामने देख सकते हो ये ना पुल आ गया, इसके नीचे से जा रही है जमुना जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये पुल हमें क्रॉस करना है, ये जो पुल बन रहा है ना लेफ्ट का, ये भी उसी के ऊपर बन रहा है जमुना जी के ऊपर। अब यहाँ से 2 रास्ते कटेंगे, एक राइट का एक सीधा। ये देखो आप, ये हम हो गए राइट, ये है परिक्रमा रोड। ये मैं सच बता रहा हूँ, ये रास्ता खुला हुआ नहीं मिलता, वरना ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सामने लिखा भी आ गया, देखो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अगर ये रास्ता खुला है ना तो भाई हम पहुंच गए, फिर मंदिर सीधा ही पहुंचेंगे, वरना हमें पीछे पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ती और पहुंचना बड़ा मुश्किल था।
अलग, ये रोड थोड़ी सी अंडर डेवलप है पर ठीक है, यहाँ से रास्ता छोटा हो जाता है यार, रास्ता थोड़ा सा यार अप एंड डाउन है, खराब है, आराम से चलाना गाड़ी, परिक्रमा रोड है तो यहाँ पे लोग ना परिक्रमा कर रहे होते हैं, वो ध्यान रखना भाई। अब चलना लेफ्ट, दो कट है, राइट है लेफ्ट है, हमने लेफ्ट जाना है। अगर एग्जैक्ट मेरा पुराना वाला रास्ता खुला हुआ ना तो मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास तक जाएगी, वो मेरे लिए और इजी हो जाएगा यार, सच में बहुत इजी हो जाएगा। बाकी बांके बिहारी अगर दर्शन कराना चाहते हैं ना तो गाड़ी, मैं आपको बताऊं पहले मैं आता था ना मेरी गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास लगती थी, अब तो इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शन कर दी, गाड़ी पहले लगवा देते हैं। ये देख लो परिक्रमा रोड पे हम चल रहे हैं, अंदर ही अंदर गलियों में से, और इन गलियों के दर्शन करने के लिए ना लोग तरसते हैं भाई, गुजरात से, मुंबई से, देश विदेश से, कई जगह से कितने फॉरनर लोग आते हैं, आपको ही पता है कि यहाँ की महानता कितनी है। और इन गलियों का दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हो, आध्यात्मिक तौर से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, और इन गलियों का जहाँ पे बचपन में कान्हा जी, किशन कन्हैया जी खेलते थे, उनका आप आनंद ले रहे हो भैया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं बहुत टाइम बाद वापस वृंदावन से जुड़ रहा हूँ, बीच में मैं डिस्कनेक्ट सा हो गया था, पर अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार वापसी आके, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मज़ा मेरे को दिखाने में नहीं आ रहा जितना मुझे घूमने में आ रहा है इन गलियों में। ये देखो आप, ये जो पैदल जा रहे हैं ना, ये परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने एक बार करी थी गोवर्धन की परिक्रमा, 9 किलोमीटर की करी थी, एक होती है 9 किलोमीटर की, एक होती है 21 किलोमीटर की, दो परिक्रमा है, मैंने छोटी वाली करी हुई है 9 किलोमीटर की नंगे पैर, बड़ा मज़ा आया था, और बाद में पैरों में छाले भी बहुत पड़े थे। ये देखो भाई साहब, ये अंकल जी कर रहे हैं परिक्रमा, ओ भाई साहब ये बड़ी कठिन है यार, बड़ी कठिन है। अब ये सामने जाना है हमने, अगर ये जाने दें तो नहीं जाने देंगे भाई, सीधा तो नहीं जाने देंगे, अपन को राइट जाना पड़ेगा। लो भाई ये भी बहुत आसान हो गया, मतलब पिछले वाले कट से सीधा नहीं जाने दिया तो यहाँ से लेफ्ट मुड़वा दिया, ये भी हमारे लिए बहुत आसान। इतनी आसानी से, इतनी बढ़िया से मेरे को आज रास्ता मिल रहा है ना, मैं खुद हैरान हूँ, सच में लग रहा है कि जैसे वृंदावन में बांके बिहारी जी ने ही मुझे बुलाया है, या तो मैं ये कह दूँ ये वाटर टैंक वाले ने मेरी हेल्प कर दी इसके पीछे पीछे मैंने गाड़ी लगा ली, ये लेफ्ट और था मैं भी लेफ्ट हो गया साथ में, तो उन्होंने भैया इसको तो जगह दी, बैरिकेड हटा के मेरे को साथ जगह मिल गई। बस ये ई रिक्शे वालों को थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता नहीं देते आराम से। ये देखो आप, नत्थू स्वीट्स आ गया, मतलब कि हम आ गए वृंदावन नगरी, बिल्कुल बांके बिहारी मंदिर के पास। सामने देखो प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर लेफ्ट में, और हरिकुंज चौराहा, अब हमने लेफ्ट जाना है। चलो भाई मैं ना अब गाड़ी लगाता हूँ, इसी के कोने पे ना पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगेगी, राइट में है मंदिर। तो हम पहुँच गए वृंदावन, और इस व्लॉग को ना पार्किंग के साथ ही एंड करता हूँ, फिर उसके बाद नए व्लॉग को यहीं से शुरू करता हूँ, पर आपको दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में कि अब हम यहाँ पे मंदिर की तरफ जाएंगे, यहाँ से मंदिर जाएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, आसपास थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, फूड एक्सप्लोर करेंगे, और फिर चलेंगे वापसी दिल्ली के।